जिले में दो युवकों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। घटना सदर थाना क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूर एक गांव की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां सुनील उराव की मौत हो गई। दोनों युवकों पर दुष्कर्म का आरोप है। बता दें कि गुमला जिला के सदर थाना क्षेत्र के गांव बसुआ अम्बा टोली गांव में बुधवार को देर रात ग्रामीणों ने दो युवकों को बाइक सहित आग के हवाले कर दिया, जिसमें दोनों युवक सुनील उराव और आशीष कुमार झुलस गए। घटना के विषय में बताया जाता है कि गांव की एक युवती अपनी मां के साथ कहीं गई थी, उसी दौरान इस दोनों युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिससे लड़की के परिजन आक्रोशित हो गए और दोनों को बांधकर पकड़कर गांव लेकर आए और दोनों के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। उसके बाद जलते हुए टांगी धार कर हथियार से हमला किया। घटना में सुनील उराव की मौत हो गई, वहीं आशीष और आम गंभीर रूप से घायल है। पूरे गांव में तनावपूर्ण माहौल है, अब भी बना हुआ है। घटना के बाद से पुलिस गांव में लगातार कैंप कर रही है। जिसमें मतलब किसका मौत हुआ, किसने कौन घायल है? बारह टोली का सुनील उराव का हुआ है और कोको टोली का आशीष उराव को केवल अभी भी वो भी सीरियस हाल में है। तो अभी आप लोग कहाँ आए हैं? हम लोग यहाँ बसुआमा टोली आए हैं। क्या करने यहाँ पे हुई, उसी का कुछ काम करने, हम लोग नहीं करेंगे तो कहाँ प्रशासन कुछ करेगा? हम लोग नहीं करेंगे तो मुजरिम है उसको पकड़ने के लिए। अभी तो लोग पूरा अंदर बंद है, अभी निकलेगा तब ना। रात को तो बोल रहा था कि ऐसा करेंगे, अभी निकलो बाहर तब ना हम लोग भी देखेंगे। क्या नाम है आपका? बिरसा उरा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।